आज की वीडियो में बात करेंगे फॉर्मेट मेनू में ऑब्जेक्ट, रन अराउंड एंड इंसेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब भी हम कोई शेप ड्रॉ करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कहलाती है, कोई बॉक्स या फिर कुछ भी। तो इसी तरीके से अगर हमें इस तरीके से गोल बॉक्स में कुछ हमें एंटर करना है या हम कोई टेक्स्ट टाइप करना है, लिखना है या फिर कॉपी पेस्ट करना है इस टाइप के गोले के अंदर, ये सर्कल के अंदर, तो हम कैसे करें? वैसे ये ओवल है और आप सर्कल में करना चाह रहे हैं तो सर्कल भी कर सकते हैं, लेकिन ये ओवल टाइप है तो इसी तरीके से आएगा। इसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट में एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जाकर ये एडिटिंग, ये सब मैंने बताया था, तो एडिटिंग रिबन बार में आप एडिटिंग कर सकते हैं, ये सब मैं बता चुकी हूँ। इसके थ्रू आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये बताया था कि आप इस तरीके से कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट को अपने। तो पहले हम यहाँ चलते हैं, इसमें यहाँ पर आकर पहले हम फॉर्मेट यहाँ से टूल बॉक्स में से ये ड्रॉ कर लेंगे, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी टूल में जाकर हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे पहले। इस तरीके से हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। फॉर्मेट पे जाकर हम देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में है, वो हाइट नहीं है, हाइट नहीं है इसलिए हम इस पर शो नहीं हो रहा, हाइड है। तो हम एरो टूल पर क्लिक करेंगे, देन फॉर्मेट पे जाकर हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये इस तरीके से ये सेटिंग के लिए पूछ रहा है, ये पहले कर चुके हैं, वही सेम चीज़ है। एक्रॉस डाउन विद हाइट एंगल, कितना घुमाना है आपको, इसकी हाइट विद कितनी रखनी है, और ये जब भी हम कर्सर के थ्रू इसको ऊपर नीचे साइड में कहीं भी लेकर जाते हैं तो इसमें अपने आप ही नंबर्स आते रहते हैं, तो इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे भी शो होता है, यहाँ से भी हाइट विद बढ़ा सकते हैं, रोटेट यहाँ से भी कर सकते हैं, कॉलम विद, जितने ये सब चीज़ें आपने कर चुके हो ये सब, तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे है राइट एंगल और इलिप्टिकल है, तो हमें इसे अराउंड करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, राइट एंगुलर ये पहले से है, तो हम इलिप्टिकल पर क्लिक करेंगे, देन ओके कर देंगे। तो इस तरीके से इसमें ये शेप आ गई। इसमें हैंड कर्सर रखकर क्लिक करेंगे, आपको अगर टाइप करना है तो टाइप कर सकते हैं, मैंने कॉपी पेस्ट किया है, वहाँ से कॉपी लाकर यहाँ पेस्ट कर दिया है। इस तरीके से आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट किया, अगेन फॉर्मेट में गए, ऑब्जेक्ट में गए, और ये रन अराउंड है तो इसे आप ऐसे ही रहने देंगे। रन अराउंड में पहले बता चुकी हूँ, ये टेम्पलेट पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो हमें इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको उठा कर रखेंगे तो अपने आप कॉपी हो जाएगा। इस तरीके से